हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, डीएलएड की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो नवंबर में हो सकती है पीएनपी सचिव के अनुसार। इस वीडियो में मैं आपको पीएनपी सचिव की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग। तो आप सभी लास्ट तक देखना वीडियो को, आपके डाउट जो है एग्जाम से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएगा। हेलो हेलो सर जी, नमस्ते। 2019 बैच से बोल रहे थे। हाँ सर, हमारी परीक्षाएं कब तक हो जाएंगी? फोर सेमेस्टर। रेगुलर परीक्षा जब होगी उसके साथ तक जी कब तक हो जाएंगी? किस मंथ तक? नवंबर तक हो गई सर। हम बहुत लेट हो गए हैं, देख लीजिए। उस टाइम यूपी टेट वगैरह का भी होगा। हमारा समाप्त हो चुका है। नहीं सर, हमारी तो फ्रेश परीक्षा आज तक नहीं हुई है कभी फोर्थ सेमेस्टर की। और हमारी सेकेंड सेमेस्टर में केवल एक सब्जेक्ट में बैक आई थी, क्योंकि हमें थर्ड सेमेस्टर का भी परीक्षा नहीं देने दी, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देने दी गई, ना प्रमोट करा गया। सर आपको सारी जानकारी है। जी क्यों प्रमोट किया जाएगा? प्रमोट नहीं करा गया या तो एक सेमेस्टर वाले को, मतलब एक सब्जेक्ट वाले को अगले पेपर देने के लिए। बैच हमारा रेगुलर समाप्त हो चुका है। नहीं सर, आप मुझे एक बात बताइए, आप प्रावधान के साथ नहीं बता पाऊंगा आप लोग बात को, तो आप नवंबर में करा लेंगे? परीक्षा नहीं होगी नवंबर में, आप करा लेंगे? बिल्कुल करा लेंगे। आप अपनी जबान से मत मुकरिएगा सर, ठीक है? नवंबर में करा लीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा, ठीक है? तो आप सभी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। हमारे द्वारा सारी क्लासेज आपकी कंप्लीट करा दी गई है, और जिस भी बच्चे ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है कर दीजिए। अगर नवंबर में आपके परीक्षाएं होती है तो प्लीज बैक तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अच्छे नंबर से आप पास हो जाने चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।